आपसे मुकेश सहनी ने कहा है उम्मीदवार तो नहीं उतारेंगे, ऐलान करके उम्मीदवार नहीं उतारा, लेकिन जो बीजेपी को हराएगा उसका साथ देंगे। प्रणाम सर जी। प्रणाम। एक मिनट। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के बदौलत चुनाव लड़ती है, दूसरे पार्टी के बदौलत नहीं लड़ती। हमारा बनाम भाजपा का है जी, जंगल राज गुंडा राज बनाम सुशासन जी, और सबका साथ सबका विकास का है। कितनी दिलचस्प है या कितना चुनौतीपूर्ण है भारतीय जनता पार्टी के लिए? मोकामा की लड़ाई बहुत स्पष्ट है जी, कि मोकामा की जनता विकास चाहती है, समृद्धि चाहती जी। है और इसके लिए मोकामा की जनता भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रहे हैं। सिटी पोस्ट और मैं हूँ अभिषेक मिश्रा। इस वक्त हम बाढ़ में है, बीजेपी उम्मीदवारों को अपना नामांकन दाखिल करना है। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा हैं, पूर्व मंत्री मंगल पांडे, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल हैं। सर, मोकामा की लड़ाई कितनी दिलचस्प है या कितना चुनौतीपूर्ण है भारतीय जनता पार्टी के लिए? मोकामा की लड़ाई बहुत स्पष्ट है जी, कि मोकामा की जनता विकास चाहती है, समृद्धि चाहती जी। है और इसके लिए मोकामा की जनता भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को एक बड़े बहुमत से जिताई। आरजेडी ये दावा कर रही है कि लड़ाई एक तरफा है, चुनाव परिणाम जिस दिन आएगा पता लग जाएगा। देखिए, हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा हैं, बीजेपी के फायर ब्रांड नेता। सर, कैसे देख रहे हैं इस लड़ाई को, मोकामा की लड़ाई को? पहली बार या लंबे अंतराल के बाद आपने उतारा है, अगर मैं कहीं गलत हूँ तो करेक्ट कीजिएगा। लड़ाई आमने सामने है, दो विचारधाराओं की लड़ाई है जी, ये व्यक्ति की लड़ाई अब नहीं है जी। राजद बनाम भाजपा का है जी, जंगल राज गुंडा राज बनाम सुशासन जी, और सबका साथ सबका विकास का है। हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल हैं। सर, एक मिनट आपका लेंगे। सर, मुकेश सहनी की बात करेंगे आपसे। मुकेश सहनी ने कहा है उम्मीदवार तो नहीं उतारेंगे, ऐलान करके उम्मीदवार नहीं उतारा, लेकिन जो बीजेपी को हराएगा उसका साथ देंगे। सर, प्रणाम। सर जी। प्रणाम। एक मिनट। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के बदौलत चुनाव लड़ती है, दूसरे पार्टी के बदौलत नहीं लड़ती। हमारा पार्टी लड़ रहा है, हम लोग जीतेंगे। देखिए, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल थे, नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा थे, पूर्व मंत्री मंगल पांडे थे और इन तीनों नेताओं से हमने बातचीत की है। मुकेश सहनी को लेकर भी बातचीत हुई। तो इस रिपोर्ट में इतना ही। मुकेश सहनी की पार्टी से ये खबर आई कि जो बीजेपी को हराएगा वो उसको वो मदद करेंगे और वो अपने उम्मीदवार नहीं उतारने जा रहे हैं। विजय सिन्हा ने भी जीत का दावा किया है, पार्टी के दूसरे नेता कार्यकर्ताओं ने भी जीत का दावा किया है। पूर्व मंत्री मंगल पांडे से भी हमारी बातचीत हुई और भारतीय जनता पार्टी के एक और कार्यकर्ता हैं, पार्टी के बड़े नेता आ गए हैं। दावा है मोकामा इस बार जीत लेंगे, कमर खिला लेंगे। कमर खिलेगा जी, मोकामा खिलना है, कमर खिलेगा, जरूर खिलेगी। आरजेडी कह रही है लड़ाई एक तरफा है। लड़ाई होगी जी, लड़ाई होगी, होगी। इतना बड़ा रन सिंह जीत के क्या किया मोकामा? कुछ नहीं किया। में पानी खड्डा खुदी कहाँ गया? कमल खिलेगा, कमल खिलेगी, अभी पूरा खिलेगी तो कमल खिलेगा। ये दावा है, डंके की चोट पर दावा है। आरजेडी कर रही है एक तरफा लड़ाई है। नहीं, नहीं होगी, जरूर होगा, क्या चिंता करें। कमल खिलेगा भैया, ध्यान करके हमने जी। हर घर सोनम चावल खिलाएगी, हर घर। तो चलिए, इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।